कमिटमेंट, हौसला ते रब ते यकीन, एक बंदे ने कर ली पूरी दुनिया फतह। मियां चन्नू दा पंजाबी गबरू जवान जिहड़ा जख्मी शेर बन के ले आया पाकिस्तान लई गोल्ड मैडल। सत श्री अकाल, नमस्कार ते अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो इंडोस टीवी ऑस्ट्रेलिया ते मैं तुहाडा मेज़बान नासिर अली। नाज़रीन, आख्या जांदा है कि जदों कोई बंदा नेक नीयत दे नाल, वड्डे हौसले दे नाल किसी चीज़ नू हासिल करन लई मेहनत करन लग पे ते कायनात दी हर शै ओदी मदद करन लई तैयार हो जाती है। इस मिसाल ते पूरा उतरे ने पाकिस्तान दे एथलीट अरशद नदीम। मियां चन्नू दे एक छोटे जे कस्बे तो उठन वाला ये नौजवान इस वेले पूरी दुनिया की अख दा तारा बनिया होया है। अरशद नदीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड लांदे होया कॉमनवेल्थ गेम्स जिहड़ी 2022 की बर्मिंघम च जारी है, उन्हां दे विच पाकिस्तान नू 60 साल बाद गोल्ड मैडल जिता दिता। बिल्कुल तुसी सही सुन रहे हो कि एक ऐसा बंदा जिहदी कोहनी जख्मी है, जिहदी लत्त जख्मी है, तो लंगड़ांदा होया दौड़दा होया आंदा है ते बगैर कोच तो, बगैर किसी सहूलत तो, बगैर डॉक्टर तो, बगैर फिजियो तो वो ले आंदा है गोल्ड मैडल। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत ते सच्ची गल है कि कॉमनवेल्थ गेम्स दे विच पाकिस्तान दे 25 साला नौजवान अरशद नदीम ने मियां चन्नू को लैके कॉमनवेल्थ गेम्स का सफ़र जिन्ना मुश्किलात दे नाल कढ़िया है, ते तुसी एक बारी आखन दे मजबूर हो जाओगे कि जदों कर लेंदा है बंदा हिम्मत तो फिर हर शै उहदे कदमां दे विच आ जांदी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 दे विच अरशद नदीम जदों ट्रैक ते उतरे ने तो जदों उन्होंने वेख्या कि उन्हों के मुकाबले के जिन्ने भी खिलाड़ी उन्होंने नाल खड़े ने, उन्हों की सपोर्ट करन लई बहुत सारे शायकीन, बहुत सारे तमाशाई, उन्होंने 3-3 4-4 कोचिज़ तो उन्होंने फैमिली पिछे स्टैंड पर बैठ के उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला वधा रही ने। जबकि अरशद नदीम ने जो पिछे मुड़ के वेख्या तो पिछे उन्होंने हक के विच उन्हां दे कोलों कोई कोच या उन्हां दे नाल कोई भी फिजियो नहीं सी। कल्ला मैदान च एक शेर, पंजाबी शेर जदों दौड़िया तो उन्हें दौड़ के ये साबित कर दिता कि मैदान दे विच खिडारी नहीं, उन्हां दे हौसले दौड़दे ने। अरशद नदीम ने 90.18 मीटर की थ्रो सुट के कॉमनवेल्थ गेम्स दे विच एक आलमी रिकॉर्ड भी ला दिता है। वह पाकिस्तान के पहले प्लेयर बन गए ने जिन्हां ने कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक्स गेम्स या किसी भी एथलीट्स गेम्स दे विच थ्रो सुट के गोल्ड मैडल जीत्या है। उन्हां तो पहले मुहम्मद इकबाल जिहड़े सी वो हैमर थ्रो जिहड़ा सी उहदे विच पाकिस्तान लई अज तो 60 साल पहले गोल्ड मैडल लिया चुके सी ते 60 साल बाद यानी कि 1962 तो बाद हून जिहड़े हैगे ने अरशद नदीम उन्होंने पाकिस्तान लई गोल्ड मैडल लिया के पाकिस्तानियों का नहीं बल्कि जिथे जिथे स्ट्रगल करता खिलाड़ी वसदा है उहदा सिर जिहड़ा हैगा वो फखर नाल चुक दिता है। अरशद नदीम जिहड़े टोक्यो ओलंपिक्स दे विच इंजर्ड हो गए सी, जख्मी हो गए सी, आख्या जा रहा सी कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स दे विच हिस्सा नहीं लैणगे, पर उन्होंने अपनी इंजरी के बावजूद भी डॉक्टर्स ने उन्होंने मना किया तो वो बावजूद भी वो कॉमनवेल्थ गेम्स दे विच आए। जितों तुसी हिसाब ला सकते हो कि जो देश ते अपनी धरती लिए कुछ करना होवे ते प्लेयर फिर जिहड़ा वो किसी भी मुश्किल नू नहीं वेखदा। अरशद नदीम जिहड़े पिछली टोक्यो ओलंपिक्स के निराज चोपड़ा जोड़े इंडिया के ने उन्होंने अपना गुरु, अपना मैंटोर तो अपना फेवरेट भी मान चुके सी। अरशद नदीम ली सपोर्ट करन लई पूरे इंडिया ने दिता उन्हों का साथ। सोशल मीडिया के उत्ते जिन्ने भी इंडियन सारे फैन सी उन्होंने आख्या कि जनूबी एशिया का यह खिडारी साढ़े सिर का मान है, साढ़े सिर का ताज है। क्यों? क्योंकि जनूबी एशिया दे विच इक्को ही खिडारी कॉमनवेल्थ गेम्स सी जिहदा नाम है अरशद नदीम। पाकिस्तान दे एक छोटे जे पिंड नाजरीन मियाँ चन्नू दे एक क्रिकेटर तो लैके तो एथलीट्स तक बनन तक का सफ़र बड़ा मुश्किल तो बड़ा कठिन से। और सहूलियत ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान लिए वो कारनामा सर अंजाम उन्होंने दे दिता है कि जिहड़ा सिर्फ पाकिस्तान खाब ही सोच सकता सी, इनू हकीकत की ताबीर नहीं सी दे सकता। अरशद नदीम ने बगैर किसी कोच तो, बगैर जबरदस्त किस्म की सहूलियात तो, बगैर किसी भी किस्म की गौरमेंट की सपोर्ट तो उन्होंने पाकिस्तान नू ये मैडल लिया के दिता है। ये मैडल उन्होंने गले च नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के गले च उन्होंने पा दिता है। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों का सर जोड़ा है वह शर्म नाल भी झुका दिता है। वो लोग वो ने जिहड़े कि पाकिस्तान दे विच खेडां नू सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान दे विच खेडां नू ग्रांट नहीं दिंदे, पाकिस्तान दे विच खेडां नू अगे लिआउण लई अपना किरदार अदा नहीं करते। ट्वीट करते हुए बाबर आजम ने आख्या, पाकिस्तान के कप्तान क्रिकेट के महान बल्लेबाज बाबर आजम ने यह गल आखी कि जख्मी जरूर सी अरशद नदीम, लेकिन वो हौसले हिमालिया तो ही बुलंद सी, वो हौसले केटू तो माउंट एवरेस्ट तो ही बुलंद सी। इतों तुसीं साबित कर सकते हो, ये तुसीं देख सकते हो कि किवें अरशद नदीम की सपोर्ट लई बाकी स्पोर्ट्समैन जिहड़े ने वो अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे डॉक्टर्स जिहड़े ने वो आख रहे हैं कि एक मौजज़ा है, एक हैरानकुन गल है कि एक बंदा जिहदी कोहनी जिहड़ी है वो एंजड़े तो 3-4 थ्रोवां पहले कर चुका है, तो जो अगली थ्रो कर गया है तो वह जख्मी बाद 90.18 मीटर की थ्रो सुट रहा है। अगर इस प्लेयर को प्रॉपर सहूलियत दित्तियां जांदियां तो ये पाकिस्तान लई हर गेम दे विच, हर ओलंपिक्स गेम्स दे विच पाकिस्तान लई कुछ ना कुछ वड्डा करके जरूर आंदा। अरशद नदीम ने पाकिस्तानियां दे सिर जिहड़े ने वह फखर नाल बुलंद कर दिते ने। उन्होंने अरशद नदीम ने इस जित तो बाद आख्या कि वो जख्मी जरूर सी, 3 थ्रोवां तो बाद उन्होंने ये महसूस होया कि वो गोल्ड नहीं बल्कि किसी भी किस्म का मैडल जड़ा वो नहीं जीत सकते। पर अचानक उन्होंने दिमाग में ख्याल आया कि उन्होंने मकसद है कि गोल्ड मैडल तो अपने मुल्क का जोड़ा है वो सर फखर नाल बुलंद करना। तो उन्होंने कहा कि फिर वो दौड़े, तो दौड़ के उन्होंने अपनी मेहनत के नाल, अपनी भरपूर लगन के नाल थ्रो की, जिहड़ी थ्रो ने आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिता। वो थ्रो जिहड़ी है वो अरशद नदीम ने सिर्फ जमीन के विच 90.18 मीटर की नहीं मारी, बल्कि वो नेजे की थ्रो हर बंदे के उस दिमाग जाके वजेगी जिहड़ा ये समझदा है कि पाकिस्तान के विच टैलेंट नहीं हैगा, जिहड़ा समझदा है कि पाकिस्तान के विच किसी भी टैलेंट पर पैसा लाना बेवकूफ़ी है। ये समझ लो कि पाकिस्तान जिहड़ा हैगा, पाकिस्तान की जी धरती हैगी है, इत्थे हर प्लेयर जिहड़ा है वो हिम्मत आला है, वो लगन आला है। अरशद नदीम ने ना सिर्फ पाकिस्तान को गोल्ड मैडल जिताया है बल्कि उन्होंने कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिते हैं। वो एशिया के पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 90.18 मीटर की थ्रो की हैगी है। इस तो पहले चाइना के जोड़े ताइपे है 2015 के थ्रो कर चुके सी। अरशद नदीम की इस परफॉर्मेंस ने सारियां नू ना सिर्फ हैरान किया है बल्कि सबनों जज्बाती भी कर दिता है। अरशद नदीम जो पाकिस्तान आएंगे उन्होंने एक भरपूर किस्म का इस्तकबाल भी होएगा। तो अरशद नदीम बहुत सारे नौजवानों लिए एक मिसाल है। कॉमनवेल्थ गेम्स के विच पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर जोड़ा है वो सिर्फ 2 गोल्ड मैडल जिते। वो मुहम्मद दस्तगीर 9 बट जिन्होंने वेट लिफ्टिंग के 109 के किलोग्राम के मुकाबले जो मजमूई तौर पर 405 किलोग्राम का वजन चुकया। उस तो बाद अरशद नदीम तो पहलवानी के पाकिस्तान ने 3 तो जोडू के 1 जोड़ा है मैडल जितया है, जबकि 2 गोल्ड मैडल टोटल 6 गोल्ड मैडल के नाल पाकिस्तान के 68 प्लेयर जोड़े है वो कॉमनवेल्थ गेम्स तो वापस आ रहे हैं। असी कॉमनवेल्थ गेम्स की अपडेट्स तू इंडोज टीवी ऑस्ट्रेलिया के जरिए दी। उस तो इलावा तू क्रिकेट दियाँ, फुटबॉल दियाँ, स्पोर्ट्स की किसी भी चीज़ दियाँ खबरें हैगियां ने वो तू इंडोज टीवी ऑस्ट्रेलिया से मिलदियाँ रहनियां। साडी लेटेस्ट अपडेट लई वेखदे रहो इंडोज टीवी ऑस्ट्रेलिया।